नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड सीमा से सटे पावटा साहब में एक धार्मिक स्थान में धार्मिक ग्रंथ को जलाने से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला पावटा साहब के माजरा थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहाँ पर अज्ञात द्वारा धार्मिक स्थान में धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया, जिसके चलते इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हम आपको बता दें कि DSP प्रमोद चौहान भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। धार्मिक ग्रंथ के साथ इस तरह की साजिश के बाद इलाके के लोगों में भारी रोष देखने को मिला, जिसके चलते लोगों ने NH-74 पर जाम लगाते हुए टायर में आग लगाकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। वहीं राजधानी की सीमा पर तनाव को देखते हुए कुलहाल बॉर्डर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। जो आज रात के टाइम पे यहाँ जो कुरान शरीफ को जो एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है मुस्लिम देश का, उसको जो जलाया गया, बहुत दुखदायी घटना है। आज जो इससे पहले मेलियों में भी ऐसी वारदात हुई थी, तो वहाँ के ऊपर कोई पब्लिक इसलिए भड़की हुई थी, 4-5 बार यहाँ वारदातें हो, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं, ऐसा हुआ तो पुलिस को बैठा कर, प्रशासन को बैठा के हमने बात की यहाँ, तो ये डिसीजन हुआ उसमें कि जो सस्पेक्टेड लोग हैं, जो आपके मेल डिब्बी वाला के किरतपुर के भी मेल उसके सस्पेक्टेड लोग हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और जो यहाँ के सस्पेक्टेड हैं उनको भी शाम तक बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी, और जो फिंगरप्रिंट उठाए हैं इन्होंने डिब्बी वाला से, उनको उससे मिलाकर उनसे कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और 3 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने पब्लिक को आश्वासन दिया है कि ये जो इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी सस्पेक्टेड है उनको पकड़ा जाएगा। इसमें सोलंकी जी भी जो मेरे साथ थे, अभी निकले हैं, हमको कहीं जाना था शादी में, तो दोनों ने हमने मिलकर पब्लिक को यहाँ बात की, विश्वास दिलाया और पब्लिक ने हमारा विश्वास मांगा। 3 दिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को